नमस्कार एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। 12 नवंबर को प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश व्यापी धरना व ज्ञापन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 823 ब्लॉकों पर मुख्य रूप से किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इनकी मांगे यह है कि 10 लाख विकास निधि और 5000 मानदेय आदि मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को वीडियो के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें भारी संख्या में बीडीसी ने भाग लिया, जिसमें संघ के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रांतीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भी अपने अपने ब्लॉकों में प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने यूएफटी लाइव 24 के माध्यम से राम किशोर यादव से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि बीडीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति बीडीसी को भी अधिकार प्राप्त हो, जिसमें वे भी अपने क्षेत्र की जनता का विकास कर सके। इसके साथ उन्होंने बताया कि 15 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर ज्ञापन देने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संस्थापक विजय दादा, संरक्षक छेदीलाल यादव, सुजीत यादव, अनूप पांडे, मानस पांडे, मुकेश कोरी, पवन शुक्ला, श्यामानंद, मनीष कौशल, शैलेंद्र यादव, धर्मेंद्र रावत, मलिहाबाद सचिव के त्रिपाठी, मेराजुद्दीन इरफान, धर्मराज, ब्रिजेश, दिग्विजय, संतोष, कुलदीप, विपिन, रवि, वर्जित, दादा, पवन, सोनी, अजय, मोती यादव, सागर आनंद, शुभेंदु, कांति देवी, जया आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार सभी बीडीसी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। आज 823 ब्लॉकों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले के 823 ब्लॉकों में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय संगठन, हमारे प्रदेश संगठन के बहुत भारी सहयोग के बाद भारी संख्या में 823 ब्लॉकों पर 90,000 बीडीसी भाइयों ने हर ब्लॉक वीडियो को ज्ञापन देने का कार्य किया और उनकी मांगे हैं। हम नवनीत शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीडीसी संघ, प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ, उन सब से के ज्ञापन में लिखा गया है कि हमारी 800 मांगों को लेकर जिस प्रकार प्रधानों को अधिकार मिले हैं, उस प्रकार हमें भी पंचायती राज व्यवस्था में हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। बीडीसी को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, बीडीसी का 73वां संशोधन लागू होना चाहिए और बीडीसी को अधिकार मिलना चाहिए। जनता के विकास के लिए 10 लाख रुपए विकास निधि मिलनी चाहिए, क्योंकि बीडीसी भाई भी उसी प्रकार चुनाव लड़ते हैं जैसे अन्य जनप्रतिनिधि मिलते हैं। सभी प्रतिनिधियों को अधिकार मिलना चाहिए। हमारे बीडीसी संघ की ओर से ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को, वीडियो के द्वारा आज 823 प्रदेश व्यापी 823 ब्लॉकों में ज्ञापन देने का कार्य किया गया। इसके लिए सभी पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द अधिकार हमारे देने का कार्य करे, आग्रह है, अन्यथा हम सब लोग सड़क पर उतरेंगे। सड़क से संविधान तक, संसद तक हम लोग संघर्ष करेंगे और 15 तारीख को जिला मुख्यालयों पर, 75 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों पर जिला मुख्यालयों पर धरना और ज्ञापन का कार्य हमारे बीडीसी भाई करेंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम बीडीसी भाइयों को विकास निधि देने का कार्य करें और हमें जनता का कार्य, जनता का विकास करने का हमको अवसर दें। हम भी जनता का विकास करें अपने विकास निधि के माध्यम से और हम भी जनता के बीच में जाएं और हमें मानदेय देने का कार्य करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 823 ब्लॉकों में आज सफलतापूर्वक बहुत भारी संख्या में बीडीसी भाई पहुंचकर जो समर्थन दिया है, इसके लिए हम नवनीत शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीडीसी संघ, सभी का हृदय से आभार करते हैं और मुख्य रूप से उन प्रमुखों का जिन्होंने हमारे हमारे ज्ञापन में पहला हस्ताक्षर करके वीडियो साहब को ज्ञापन देने का कार्य किया। सभी प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि हमारा साथ दें। जय बीडीसी, बीडीसी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूएफटी लाइव के लिए राम किशोर यादव की रिपोर्ट।